Hi guys, welcome back to my channel Feeling Fashion Inside. So guys, today's topic is all about the basics thing. लेकिन हम लोग मैं बोल सकती हूँ कि 90% लोग इसको neglect करते होंगे, लेकिन ये बहुत ही basic and बहुत ही important है. So please ध्यान से देखिए video end तक and please उसको follow कीजिए, क्योंकि मैं भी पहले नहीं करती थी. कुछ ऐसा रीज़न हुआ, उसके बाद मैं शुरू की एंड ट्रस्ट मी अभी काफ़ी बेटर फील करती हूँ मैं. सो द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द इंटीमेट हाइजीन. यस, हम लोग अभी ये कोविड के ये वजह से बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे प्राइवेट पार्ट के एरिया में सोचे हैं, कभी इंटीमेट हाइजीन के बारे में सोचे हैं? हाँ, ऐसा है कि अभी सबको पता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. लेकिन गाइस, कभी भी हम लोग को इंटीमेट हाइजीन या प्राइवेट पार्ट को हाइजीन मेंटेन करना नहीं भूलना चाहिए. सो गाइस, जैसे कि मुझे बहुत जन ने मैसेज किया इंस्टाग्राम में कि दीदी मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, दीदी आप कैसे मेंटेन करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए क्या. तो बेसिक स्टेप है इंटीमेट हाइजीन का, वो है क्लीनिंग. हाँ, हमेशा क्लीन करना. आप 4 घंटा या 5 घंटा गैप में उसको क्लीन करना, मेंटेन करना, कहीं भी आप ट्रैवल में हो कहीं भी, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आप वो वाइप्स ले लीजिए कुछ भी, या फिर इंटीमेट हाइजीन का वॉश आपके पास रखिए. जैसे मैं अपना बैग में हमेशा रखती हूँ. एंड पब्लिक टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल में हैं, तो वो स्प्रे भी लीजिए सैनिटाइज वगैरह के लिए. तो मेन प्रोडक्ट जो है क्लीनिंग. मैं यूज़ कर रही हूँ नम्या का इंटीमेट हाइजीन वॉश विथ हल्दी एंड चंदन. यस, इसीलिए मैंने नम्या को चूज़ किया, क्योंकि इसमें हल्दी एंड चंदन है एंड इसमें आयुर्वेदिक टेक्निक यूज़ किया गया है. आप लोग को सबको पता होगा हल्दी एंड चंदन का कितना बेनिफिट होता है स्किन के लिए. तो आप लोग सोचिए, ये ना ही हमारा प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखता है, एंड कभी कभी हमारा खुद का जो अनवांटेड ऑर्डर होता है उसके वजह से हम लोग को भी डिस्कम्फर्ट फील होता है. तो जो चंदन है उसका वो उसकी वजह से वो ऑर्डर भी नहीं रहता है. और ऊपर से हल्दी है जो कि हमारा जो डार्कनेस है स्किन का उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है. एंड इसमें एलोवेरा है एंड क्यूकुम्बर है जो कि हमारा प्राइवेट पार्ट का स्किन को सॉफ्ट एंड सूदनिंग भी रखता है. एंड उसके साथ ही साथ जो आप लोग का वो भी क्वेरी था कि दीदी वो कैसे स्किन मेंटेन करना है, कैसे वो डार्कनेस हटाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट गाइस. आई कैन टेल यू, आप ट्राई कीजिए फिर बिलीव करेंगे. क्योंकि यस, आप तो सोप यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर होता है ना कि हम लोग का आदत रहता है कि हैंड वॉश है चलो उससे काम चला लेंगे. नहीं, कभी भी सोप वगैरह यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें हमारा पीएच बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, और भी ड्राई होता है, और भी इचीनेस होता है हम लोग को, और भी डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है. तो हमेशा कुछ माइल्ड यूज़ कीजिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें हल्दी, चंदन, क्यूकुम्बर, अलोय, ये सब कुछ है एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है. एंड जैसे कि आप सबको पता है कि मैं वोकल फॉर लोकल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, तो ये एक इंडियन ब्रांड है. एंड इसका प्राइस है गाइस 350, लेकिन आपको हमेशा इसका अमेजन में ले लीजिए, नायका में ले लीजिए, फ्लिपकार्ट में ले लीजिए, आपको हमेशा इसको अच्छे से डिस्काउंट में मिल जाएगा. So guys, look at the packaging looks really premium and I'm super impressed by its ingredients, haldi and chandan, and it's really handy to use guys, no tension of the extra product wastage and all, and it's travel friendly too, and you can see the texture also, it's like a gel like texture. And just use it twice, the fragrance is awesome, you will feel fresh whole day. The best thing is इसमें कोई केमिकल नहीं है, पैराबन फ्री है. एंड जैसे कि
मतलब हल्दी चंदन का जो गुडनेस है, क्यूक्यूम्बर जूस का जो गुडनेस है, हर चीज़ का ये बेनिफिट आपका स्किन को भी देता है एंड आप दिन भर फ्रेश फील करेंगे। इससे साथ साथ मैं बोलूँगी आप लोग को, अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अगर मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ करते हैं तो भी ज़रूरी है। एंड गाइस, जो हमारा जो मेन इंटीमेट पार्ट हाइजीन हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, आप जितना सैनिटाइज़र वगैरह को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना ही आप आपका पार्टनर को या आपका फ्रेंड जो भी है सबको ये इंटीमेट हाइजीन के अवेयरनेस के बारे में आप लोग बात कीजिए, ये टैबू नहीं रहा है, ये हम लोग का बेसिक स्टेप है एंड मैंडेटरी है। यस, तो जाइए आप लोग भी जाके नम्या का ये इंटीमेट हाइजीन वॉश ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मुझे 2015 में यूटीआई हुआ था, मुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट है एंड कितना भयानक होता है यूटीआई होना, खास करके लड़कियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमेशा हम लोग उतना दूर तक नहीं जाना है, हमारा तबीयत नहीं बिगड़ना है। तो जैसे ही आप लोग सुबह उठते ही फेस को क्लीन करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। एंड गाइज प्लीज़ आप ये जैकेट ट्राई कीजिए, ट्रस्ट मी द फ्रेगनेंस, द टेक्सचर, एवरीथिंग, यू आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इसका जो कंस होता है ना, कोई भी नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। सो जाइए ट्राई कीजिए एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये हमेशा आपके बैग में एक लेके रखिए, क्योंकि हम लोग ऑफिस में, चाहे ऑफिस में हो या फिर ट्रैवल में हो या फिर डेली लाइफ में हो, आप मॉल भी जाते हो, 5-6 घंटा रहते हो, वहाँ पे भी यूज़ करना पड़ता है, तो ये आपके पास हर वक्त रखिए ताकि आप कहीं भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है यूज़ करना एंड प्रॉपर हाइजीन वे में पैकेजिंग इसका है, तो इजी टू यूज़ ऑल्सो। सो आप जाइए कहीं भी नाइका, अमेजन कहीं पर भी चेक कीजिए एंड ट्राई कीजिए इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर्स को, सबको इंटीमेट हाइजीन के बारे में अवेयरनेस का स्प्रेड कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।